नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है पांच की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पाराशर। हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है लगभग ढाई महीने के आसपास वक्त हो गया है, और जब से सरकार बनी तब से ऐसा लग रहा है किस्मत कुछ ठीक नहीं चल रही है। कुछ मध्य प्रदेश में कहा जाता था कि सरकार बनी है तो उसके बाद तमाम तरीके की दिक्कतें जब दिग्विजय सिंह बने थे तब आई थी, तब उन्होंने बहुत पूजा पाठ कराए थे, लेकिन इस बात को तो अब 20 साल से भी ऊपर हो गए हैं। तो अब हिमाचल प्रदेश में ऐसा क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश में कर्जदार हो गई है सरकार, सैलरी नहीं दे पा रही थी, पेंशन नहीं दे पा रही थी, फ्री के जो दावे खटाखट फटाफट खाते में आने की बात राहुल गांधी की तरफ से की गई थी, वैसा तो दूर दूर तक हुआ ही नहीं, बल्कि सैलरी देने के भी लाले पड़ गए। ये खबर लेकिन अब पुरानी हो गई। अब ताज़ा खबर ये है कि टॉयलेट सीट किसके घर में कितनी होगी इसको लेकर भी टैक्स लगाने का एक फरमान, या यूँ कहें कि एक नया फैसला सरकार की तरफ से लिया गया। और जैसे ही इस पर बवाल खड़ा हुआ, विपक्ष ने, खासकर बीजेपी ने, इसको लेकर बड़ा मुद्दा बना दिया कि भाई अब टॉयलेट सीट पर भी आपको टैक्स देना होगा, कितनी बार आप टॉयलेट जाओगे, कितना पानी आप इस्तेमाल करोगे उस पर भी टैक्स देना होगा। तो फिर आनन फानन में फैसला वापस लिया गया। अब पहले शुरुआत में तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछे कि भाई ऐसा हो गया है, तो उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन आज उन्होंने अपडेट लिया। आलाकमान ने कहा होगा कि अपडेट लीजिए और ये किस तरह का फैसला लिया गया, तो उन्होंने आज कहा कि ये सब तो हुआ ही नहीं था, लेकिन हमारे पास पूरे सबूत हैं कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्यों फैसला लिया और क्यों वापस लेना पड़ा, वो सब हम आपको दिखाएंगे इस शो में। लेकिन हिमाचल प्रदेश अकेले नहीं है, हिमाचल प्रदेश के बाद हरियाणा में भी अभी दो दिन पहले तक राहुल गांधी सिर्फ फ्रीबीज यानी फ्री की रेवड़ी, जिसका नाम दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वही वादे करके जनता के बीच आने की बात कर रहे हैं। कर्नाटक में भी ऐसा ही किया, तेलंगाना में भी ऐसा ही किया, और अब बारी है हरियाणा की, जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जनता के बीच जा जाकर यही बात कर रहे हैं। शायद उत्तर प्रदेश की उन महिलाओं को वो भूल गए हैं जिनके साथ 8500 रुपए देने का वादा किया गया था। वो भोली भाली महिलाएं कार्ड लेकर पहुंच गई कांग्रेस दफ्तर, वो तस्वीरें भी हमने देखी थी, लेकिन उसके बाद कहा गया अगर हमारी सरकार बनती तो हम देते, लेकिन सरकार तो आपने बनाई नहीं, तो हमारा तो कोई जवाबदेही समझ ही नहीं आती। तो अब जो हिमाचल प्रदेश की सरकार कंगाली की कगार पर पहुंच गई है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों सैलरी नहीं दे पा रही है, क्यों पेंशन नहीं दे पा रही है, और क्यों कभी पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कभी पानी के दाम बढ़ रहे हैं, और कभी उन पर टैक्स के नाम पर जनता की जेब पर ही मार पड़ रही है? तो इसी पर आज चर्चा करेंगे, बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे भी, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें और बयान जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में है। जैसे हमारी सरकार बनेगी, महिला शक्ति योजना 2000 रुपए हर महीने हरियाणा की महिलाओं के बैंक अकाउंट में खटाखट अंदर। देश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। जब आप कहते खटाखट तो जनता कह रही है ये 25 रुपए टॉयलेट सीट पे क्यों ले रहे हो? जो कांग्रेस वादे करती है कि ये मुफ्त कर देंगे, वो मुफ्त कर देंगे, ये दर्शाता है किस तरह से जनहित में ना कांग्रेस पार्टी ने कभी काम किया है और ना वो करेगी। केवल सत्ता का सुख पाना है, गांधी परिवार को आगे बढ़ाना है, यही उनका मूल मंत्र है। प्रदेश की विषम वित्तीय परिस्थितियों के दृष्टिगत मैं सभी माननीय सदस्यों से भी अपने वेतन एवं भत्ते स्वेच्छा से विलंबित करने का आग्रह करता हूं। आज हिमाचल 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है, और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा यार, सुबह सुनने को मिला कि सुक्खू जी को देखो, उसने टॉयलेट पर भी टैक्स लगा दिया। इस सरकार की मति भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट। तथ्यों से परे है, हरियाणा चुनाव है, हरियाणा चुनाव को मद्देनजर रखे कभी हिंदू मुस्लिम की बात करती है, कभी सीवरेज की बात कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। सर वो सीटों को 25 रुपए वाली बात भी कही गई? नहीं, ये गलत बात है। देश की शायद एकमात्र सरकार ऐसी होगी जो शौचालय की सीट पर टैक्स लगाती है,
ये राहुल गांधी के विकास का मॉडल है जो सुखविंदर सुक्खू जी हिमाचल में लागू कर रहे हैं। ये इनके फर्जी फॉर्म भरवाकर आपकी जेब से पैसे निकालने का मॉडल कांग्रेस का है जो हिमाचल प्रदेश की जनता की जेब से पैसे निकाल रहे हैं। वैसे तो इन्होंने वादा किया था फ्री में ये देंगे, फ्री में वो देंगे, फ्री में पानी देंगे, फ्री में बिजली देंगे, और अब तो आप टॉयलेट भी फ्री में नहीं जा सकते। ये स्थिति कांग्रेस ने कर दी। इसलिए कहा जाता है कांग्रेस जहां जहां भी आई वहां महंगाई, लूट और बर्बादी लाई। हिमाचल की सुक्खू सरकार हो, कर्नाटका की सरकार हो या तेलंगाना की सरकार हो, जहां जहां कांग्रेस आई है उसने चुनाव से पूर्व जो जनता से वादे किए हैं उन वादों को पूरा करने की बजाय उनकी कब्र खोदकर उनको कब्र के नीचे दफना दिया गया। चलिए तो आनन फानन में जो नहीं होना था वही हुआ। पहले फैसला लिया गया, फिर यू टर्न लिया गया, अब सवाल हरियाणा के जनता। और देखिए ये फैसला जो है, अभी तो हरियाणा में पोलिंग हुई नहीं है, 5 तारीख को होनी है, उससे पहले ही जो ये खुलासे हो रहे हैं ना, कर्नाटक से लेकर तेलंगाना से लेकर और हिमाचल से लेकर, जाहिर तौर पर हरियाणा की जनता भी अब ये पूछेगी कि राहुल गांधी कहाँ है, खटाखट खटाखट स्कीम कहाँ है, फटाफट फटाफट पैसे क्यों भाई, क्यों ये वादे किए जाते हैं जब आपकी जेब में उसको चुकाने के लिए पैसा नहीं है। बचपन से सभी को ये सिखाया और पढ़ाया जाता है कि भाई जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, यानी आपके पास जितने पैसे हों, कर्ज अगर आप ले लेकर अपना जीवन चलाना चाहेंगे तो अंत ठीक नहीं होगा। और ऐसा ही कुछ तो दिखाई दे रहा है हिमाचल प्रदेश में, हर रोज़ एक खबर, हर रोज़ एक खबर। लेकिन चलिए ये खबरें क्यों आ रही हैं, कितनी सही हैं, और क्यों कर्जदार बना रही है जनता को हिमाचल की सरकार, किसके दबाव में, क्या आलाकमान को खुश करना ही सबसे बड़ी मजबूरी है सुक्खू सरकार की या कुछ और वजह है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं जरा परिचय आपसे अपने खास मेहमानों का करा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता अजय वर्मा जी मौजूद हैं हमारे साथ। कुछ ही पलों में कुछ और मेहमान भी जुड़ने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अजय वर्मा जी क्योंकि बात तो कांग्रेस पार्टी की हो रही है ना, तो आप ही से शुरुआत कर लेती हूँ मैं। क्यों जनता को कर्जदार बनाया जा रहा है, क्यों यू टर्न सरकार बन गई है, क्यों भाई, क्यों फ्री के वादे इतने बड़े बड़े किए गए, जितनी चादर थी उससे भी बहुत बड़े पैर पसार लिए गए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्यों जनता को कर्जदार बनाया जा रहा है, क्यों इस भारत की खोज के बाद एक नए भारत का निर्माण 2014 में हुआ था, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सम्मानीय हैं, जब वो कहते हैं मित्रों 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी, अमीर गरीब हो जाएगा, चप्पल वाले जहाज में जाएंगे, जीडीपी बदल जाएगी, भारत विश्वगुरु बन जाएगा। 2014 से 24 आ गया, भारत पे कर्ज 2014 में 55 लाख करोड़ था, आज 2,05,000 करोड़ कर्ज हो गया है, क्यों कर्जदार बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही कह रही है भारत को, एक हिमाचल का मतलब पूरा हिंदुस्तान को ही होता है, 30 स्टेट है, 5 टेरिटोरियम्स है, प्रति बच्चा जो पैदा हो रहा है भारत का 1,45,000 से 50,000 रुपए उसके ऊपर कर्जदार है इस वक्त जो पैदा हो रहा है। मित्रों का 16,00,000 करोड़ रुपए बैंकों का माफ कर दिया, अगर मेरे पास 10,05,000 रुपए कर्ज है तो बैंक के ऑफिसर नोटिस भेज देंगे, कुड़की करने आ जाएंगे, वो पैसा नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन उनका जो है उसमें बाबा रामदेव हो, अडानी साहब हो, अंबानी साहब हो, कई सारे उदाहरण है, लिस्ट भेज दूंगा। अब आप टॉयलेट टैक्स पे आ जाइए, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पैसा मांगा था, आपदा आई थी, आपदा में सरकार ने कहा कि हमें 10 रुपए दीजिए, तो देश की सरकार ने 10 रुपए नहीं दिए, कहा कि 2 रुपए देने पर विचार करेंगे, नहीं दिए अपने रिसोर्स के लिए। अगर सच बोल रहे हैं, उदाहरण बता रहा हूँ, मैं एक उदाहरण बता, नहीं नहीं उदाहरण भी वो देने चाहिए ना जिसमें हकीकत हो, आप सही बोल रहे हैं तो बताइए फिर, मतलब फिर मुझे कुछ दिखाना पड़ेगा, आपको डेटा दिखाने पड़ेंगे, आंकड़े दिखाने पड़ेंगे, कुछ पेपर्स दिखाने पड़ेंगे, इसलिए अगर आप सच बोल रहे हैं तो पहले बता दीजिए, अगर झूठ है तो उसका खुलासा करना पड़ेगा। नहीं नहीं मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, और मैंने बिल्कुल कहा है कि हमने 10 रुपए मांगे तो सरकार ने 2 रुपए भी नहीं दिए, हमें 2 रुपए के लिए वादा करा देंगे और देखेंगे। अब आप टैक्स की बात आ जाइए, सुक्खू जी का भी स्टेटमेंट आप पे ना हो तो मैं सुनवाने के लिए भेजे देता हूँ, आपका टीवी दिखा रहा था अभी कि उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, इट इज ओनली प्रोपोगंडा, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रोपोगंडा टीम है, और मैंने आपको पहले भी आपके चैनल पे, सम्मानित चैनल है, राष्ट्र का चैनल है, कहा है कि एक देश लाई गैंग, एक माचिस गैंग 2014 से जागृत हुआ है। अच्छा अजय जी आपने एक ऐसी बात कर दी, मुझे अपने प्रोड्यूसर से कहना पड़ेगा कि जो फैसला लिया गया था ना
थोड़ा लूप में दिखाएं अब जरा। अब आपने, मैंने आपको पहले ही कहा था या तो आप तथ्यों की पुष्टि करते रहिए वरना पुष्टि मुझे करनी पड़ेगी। आपने कहा कि सुक्खू जी ने कहा कि कोई फैसला लिया ही नहीं गया था। अब फैसला नहीं लिया गया था तो उसकी कॉपी कैसे आ गई हमारे पास? कॉपी जरा वायरल कर जो हो रही है दिखाइए भाई। और खास मेहमान जुड़ गए हैं, मैं जरा परिचय उनका भी साथ साथ करा देती हूँ जब तक वो कॉपी हम दिखाते हैं। शिवम त्यागी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ घनेन्द्र भारद्वाज जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और नेता जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ गए हैं। अब अजय जी, अब सच के तो पैर होते हैं लेकिन झूठ के पैर नहीं होते, ये बात कही जाती है। लेकिन शिवम त्यागी जब सुक्खू जी कह चुके हैं कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं, तो फिर सभी बड़े नेता बीजेपी के ऐसे क्यों मुद्दा बना रहे हैं? वो तो कह रहे हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका घर कहीं हिमाचल में तो नहीं है? एक और प्रोपेगंडिस्ट आ गए। काफी दिनों से आप जो है विवाह के पश्चात अपने घर पर ना गई हो तो प्लीज कृपया करके वहां पर पूछ लीजिए घर में टॉयलेट कितने हैं, उसी हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। और अजय वर्मा कितना भी कहते रहे पैसे तो इनको भी देने पड़ेंगे। एक और प्रोपेगंडिस्ट आ गए। आप प्लीज बीच में नहीं बोलना अजय जी, बीच में नहीं बोलना। माना आपको आप खाने पीने पर ही पैसे नहीं देने, हर जगह पैसे देने, एक और मतलब थोड़ी ना। एक और प्रोपेगंडिस्ट गैंग के लोग आ गए, कोई लाइक गैंग के मेंबर। अगर मजे ही करने हैं तो आप कहीं बाहर ऐसे सड़क पर लोगों से बहस करके कर लीजिए ना। अगर तथ्यात पर बहस करते हैं तो बात पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं ना, क्या लाभ है? खैर मैं पॉइंट पर आना चाहता हूं। गैंग के मेंबर रीमा जी, कोई लाभ है इस बात के करके बात करेंगे, अपनी अपनी बारी में सब बात करेंगे, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। वैसे तो सभी लोग वरिष्ठ हैं, मुझे बार बार ये कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन मजबूरन मुझे रोजाना शो में फिर ये बोलना ही पड़ता है कि कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। थैंक यू। एक ऑर्डर हुआ जिसमें कहा गया कि 25 रुपए प्रति टॉयलेट जो है एक चार्ज लगाया जाएगा हिमाचल में, क्योंकि हालात वहां पर बेहद खराब है। पैसा कलेक्ट करना है राज्य सरकार को, हम जानते ही है पैसा कलेक्ट करना है। हम जानते हैं कि उनके पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, हम जानते हैं कि स्थितियां उनकी खराब है, हम जानते हैं कि जो उन्होंने गारंटी दी थी, जो राहुल गांधी जो गारंटी की दुकान करते हुए घूमते हुए लगाते हैं उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम जानते हैं कर्नाटका में सिर्फ उनकी गारंटी के लिए 65,000 करोड़ रुपए का बजट चाहिए जो पूरा नहीं हो पाता, उसके लिए भी वहां पर उन्होंने दूध बढ़ा दिया, तेल बढ़ा दिया, बिजली। अजय वर्मा जी स्क्रीन की तरफ देखिए, कॉपी ऑर्डर की चल रही है स्क्रीन पर, उसके बाद अब आपके पास आऊंगी। ऑर्डर जरा पढ़ते रहिए साथ साथ में और डेट भी पढ़िएगा इसकी, और इसमें क्या लिखा है वो भी पढ़ लीजिए शिवम त्यागी। तो ये ऑर्डर जब आया है, ऑर्डर के बाद जाहिर है सरकार को लगा कि ये क्या ब्लंडर कर दिया, ये तो राहुल गांधी टाइप का है। मतलब आज तक मैंने सुना था कि खाने पे टैक्स है, खाने की चीजों पर टैक्स है, ग्रोसरी पर टैक्स है, बताइए टॉयलेट्स पर ही टैक्स लगा दिया। नाना जी से लेकर आज बेटा जी तक आ गए, देश को टॉयलेट्स तो दे नहीं पाए, अब मोदी जी ने टॉयलेट्स बना दिए तो उन पर भी टैक्स लगा रहे। मैं मानता हूं कि मानसिकता इस हद तक गिर चुकी है, इस हद तक खराब हो चुकी है के अपने नेता की जो फर्जी नकली गारंटीज है, जो राज्य के पूरे बजट में भी फिट इन नहीं होती, उनको फिट इन करने के लिए देश की प्रदेशों की जनता को लूटा जा रहा है। और ये भी इस बात को जानते हैं। रीमा जी आपकी आवाज ना, मेरी आवाज मेरे को इको कर रही है, अगर आप इसे प्लीज ठीक करा दे तो। ओके अजय वर्मा जी जवाब दीजिए। रीमा जी गडकरी साहब ने भी चिट्ठी लिखी है और लिखा है कि लंगर पे टैक्स, तो अपन पे टैक्स। ये हम लोग उठे जल शक्ति मंत्रालय के तहत, अगर कोई है सुक्खू जी कह रहे तो मुख्यमंत्री का क्या मानेंगे, मैं ये इन कागजों की मानूंगा। अगर अच्छा, जाते कागज जाते ऐसे रहते झूठे आते आते भी झूठे होंगे, कागज भी झूठे होंगे, दस्तावेज भी झूठे होंगे, कैबिनेट की मीटिंग के ऑर्डर भी झूठे होंगे, ये प्रोपेगेंडा टीम है भाजपा की। सच्चाई क्या है? वो तब पायरेटेड कर देते हैं, सीडी पायरेटेड ऑर्डर कैसे, तो सुक्खू जी ऑर्डर देंगे इस बारे में बता देंगे, डीडी न्यूज पर केस कर दीजिए। अरे सर ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश भी झूठी है। देखिए जो नोटिफिकेशन लिखा है पढ़ लीजिए ना थोड़ा सा, 21 सितंबर के बाद 3 अक्टूबर कफन पे टैक्स, लंगर पे टैक्स। अब इसीलिए कहते हैं, आप बताइए, इसीलिए कहते हैं कि जब दलील खत्म हो जाती है नहीं, तो कुछ भी बोल करके अपना पक्ष रखना पड़ता है। दलील देने की जब क्षमता खत्म हो जाती है ना और आपके पास तथ्य खत्म हो जाते हैं तब आप ऐसा करते हैं। अजय जी हमेशा चिट्ठी लिखी है, मैं गडकरी साहब की चिट्ठी दिखाऊं आपको, ये रही कि आप वित्त मंत्री को क्या टैक्स कम कर दीजिए, तो उनको भी आप देशद्रोही कह दीजिए, वो भी टैक्स बता दीजिए। मैंने तो किसी को देशद्रोही कहा ही नहीं है, मैंने कब कहा? आपने अपने मन से लगा दिया। आप मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, देशद्रोही किसने कहा है आपको? नहीं बता दीजिए ना कि आप टैक्स वाले हैं। मैंने तो देशद्रोही शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, आप अपने मन से बोल रहे हैं।
ये देखिए मैं आपको टैक्स दिखा रहा हूँ, गडकरी साहब की चिट्ठी है ये, इसको भी लागू कर दीजिए। टैक्स नहीं दिखाना, टॉयलेट टैक्स दिखाना, ये टॉयलेट एक अब ये जो बना दिया है आपका प्रोपेगेंडा है आप दो भाई, हरियाणा का चुनाव जीतने के लिए कुल घर बनाते नहीं हो, टॉयलेट बनाते नहीं हो, देश को जीत नहीं रहे हो, जीत नहीं रहे हो, यूपी में जितने टॉयलेट जाके बने कितना बड़ा घोटाला हुआ, उसमें बीजेपी का कोई अभी बीजेपी वहां पर चुनाव करवा रही है नहीं करवा रही है मुझे नहीं पता, लेकिन वहां सरकार बन चुकी है। लेकिन गणेंद्र भारद्वाज जी को मैं जरा डिबेट में हरियाणा में ठीक है अजय जी, अजय जी पर टैक्स लगाओगे बताइए, चलिए बताइए हरियाणा में किस चीज पर टैक्स लगाएंगे, टॉयलेट पे तो लगा दिया, अब नेक्स्ट क्या, सात सीटों पर सरकार बना रहे, भ्रष्टाचारियों को भगा रहे मासी, और अभी आपका उप मुख्यमंत्री राजस्थान के कहां पकड़े गए हैं वो किसी चैनल पे नहीं आया, टॉयलेट के टैक्स खाता में फंस गए वर्मा जी, जवाब नहीं दे पा रहे, चंद वैरवा दिल्ली में चीज बताइए, डिबेट तो कमरे में बैठ के कर रहे हैं ना, अजय वर्मा जी इतना सेंसिटिव इशू है, जनता की जेब पर मार पड़ रही है, महंगाई की मार डाली जा रही है, लगातार टैक्स पड़ रहा है, आप कहां से कहां मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, राजस्थान पहुंच गए लेकिन आपको इस मुद्दे पर बात नहीं करनी है अजय जी, इसीलिए कहते हैं डेटा लेकर आना चाहिए अगर आपको ग्रिल करना है किसी और पार्टी को, डेटा है लेकिन हम नहीं कर रहे हैं ना, गणेंद्र भारद्वाज जी को मैं डिबेट में लेकर आना चाहूंगी, ओके वो एक्सपोज कर रहे हैं, गणेंद्र जी ये जो फ्री बीज है इसकी जननी कौन है, आपकी पार्टी, आप ही की पार्टी जननी है ना एक तरीके से, दिल्ली में भी वही हुआ, पंजाब और पंजाब में तो अब जो रिकॉर्ड तोड़ एक तरीके से कर्ज हो रहा है, देश का सबसे ज्यादा सदी का अगर कोई कर्जदार राज्य बनने वाला है तो उसमें नंबर वन पंजाब होने वाला है, कुछ ही दिन बाकी है, तो कांग्रेस भी तो आप ही की राह पर चल रही है। देखिए रीमा जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि देश में इस देश के गरीब लोगों को आम आदमी को उसका हक दिलाने का काम आम आदमी पार्टी ने करा है, आम आदमी पार्टी ने एक नई राजनीति की शुरुआत करी थी कि देश का हर आदमी टैक्स पेयर है, हर आदमी कोई एक माचिस की तीली भी लेके आता है, एक माचिस भी लेके आता है, उसमें भी इनडायरेक्ट टैक्स इस देश को देता है, और इस देश की सरकारों का यह कर्तव्य बनता है कि देश में मुफ्त में अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, सरकारी स्कूल ठीक होने चाहिए, अस्पतालों में मुफ्त दवाई और मुफ्त इलाज मिलना चाहिए, हर घर को बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं फ्री में मिलनी चाहिए, हर महिलाओं को एम्पावर करने के लिए उसकी बस यात्रा जैसी स्कीम्स लानी चाहिए, ये सरकारों का काम है। बदकिस्मती से 75 साल से देश में जो भी सरकारें रही उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों से पैसा लेके लूटने का काम करा, देश में भ्रष्टाचार करने का काम करा, कभी किसी सरकार ने ये नहीं सोचा कि सरकारी स्कूल भी ठीक करने हैं, कभी किसी ने सोचा कि गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा भी मिलनी चाहिए, गरीब के बुजुर्ग को अच्छा इलाज भी मिलना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए CCTV भी लगाना चाहिए, फ्री बस यात्रा भी हों बुजुर्गों की, फ्री तरह से पहले कहीं पर भी नहीं, दिल्ली की सरकार ने शुरू करा है, दिल्ली की सरकार के बाद देश में शुरू है, दिल्ली की सरकार देश की पहली सरकार थी, अरविंद केजरीवाल की सरकार पहली सी सरकार थी जिसने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम दिल्ली के अंदर CCTV कैमरे हर डार्क स्पॉट पर लगाएंगे, हम पहली सरकार थे जिसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, हमने तो लिखा था कि पानी माफ बिजली हाफ, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक कदम आगे बढ़ के दिल्ली में बिजली भी माफ करी और 24 घंटे बिजली भी दी, और देखिए और सब कुछ फ्री करने के बाद बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं की यात्रा फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, अस्पताल फ्री, दवाई फ्री, इलाज फ्री, सब कुछ फ्री करने के बाद भी हमने अपनी इकोनॉमी को डबल करा, हमने अपना बजट डबल करा, 2015 में जब हमने अपने सरकार टेक ओवर करी थी कांग्रेस से तब दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ रुपए था, आज दिल्ली का बजट 75,000 करोड़ रुपए और सारी की सारी सुविधाएं ऐसी कैसी चल रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को कॉपी तो आप कर सकते हो, अरविंद केजरीवाल का मेरा सवाल कुछ और था ना गणेंद्र जी, आपने भी अजय वर्मा जी की तरह बात को कहां से कहां पहुंचा दिया, मैंने पंजाब की बात की, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, 10 सेकंड में हिमाचल की बात, मैं ये कह रहा हूँ नहीं हिमाचल की भी करेंगे, पंजाब की करेंगे या नहीं, मैं सबकी करूंगा, हरियाणा की भी करूंगा, यूपी की भी करूंगा, सबकी करूंगा, मैं ये कह रहा हूँ रीमा जी कि अरविंद केजरीवाल के मैनिफेस्टो को काम कॉपी करने का काम कांग्रेस ने भी करा, बीजेपी ने भी करा, ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस ने वायदे करे, भारतीय जनता पार्टी ने भी जहां जहां चुनाव लड़ा वहां यही कहा कि हम सिलेंडर कम कर देंगे, वहां यही कहा कि हम महिलाओं को स्कूटी देंगे, वहां ये कहा कि महिलाओं के खाते में पैसे, मैंने वही तो कहा गणेंद्र जी कि जननी कौन है, आम आदमी पार्टी जननी है इसकी, यही तो मेरा पॉइंट था रीमा जी, मैं कह रहा हूँ कि सबने कॉपी करा, हाँ। अरविंद केजरीवाल का मिनिस्टर तो कॉपी कर सकते हैं लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का जो विजन है उसे कैसे कर लोगे, काम वही कर सकता है जो अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया, दिल्ली और पंजाब
एग्जाम्पल्स हैं कि दिल्ली और पंजाब में हमने जो वायदे करे सारे वायदे पूरे करे। और मैं कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने जो हरियाणा में भी कहा है, हम देश के अंदर एक नई राजनीति शुरू करने आ रहे हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूं कि जब गरीब आदमी को बिजली पानी फ्री मिलती है, महिलाओं को बस में फ्री बस यात्रा करा रहे हैं, या बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, अच्छे स्कूल अस्पताल बना रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जवाब सुनिए, आपको मॉडल मान के जो 15 लाख करोड़ रुपए अपने आपकी सलाह माननी चाहिए बीजेपी को। मैं पूछ लेती हूं कितना माने, मुझे अवधेश जी का भी रुख करना है, लेकिन शिवम त्यागी आप जवाब दीजिए, फिर अवधेश जी का रुख करूंगा। थैंक यू। देखिए मैं डेटा बताता हूँ, घनेन्द्र जी जो बोल रहे हैं, दिल्ली में एमसीडी में 1543 स्कूल्स हैं, उनमें से 800 स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं है। मुबारक हो आपको ऐसा मॉडल। दिल्ली में अभी पिछले दिनों एक आरटीआई हुई है, जिस आरटीआई में जवाब आता है कि 2/3 स्कूलों में, 2/3 आप साइंस पढ़ाते ही नहीं है 11वीं और 12वीं में, आरटीआई कह रहा है ये। मुबारक हो आपको ऐसा मॉडल दिल्ली में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, 100 out of 68-69% टीचर्स ऑक्यूपेंसी है सर, एक सेक्शन में आप 2.5 गुना बच्चे ज्यादा पढ़ा रहे बैठ के। धनेन्द्र जी का बच्चा पढ़ रहा है क्या एमसीडी स्कूल में, पूछना जरा इनसे, बेकार की बात है, किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप भाई। क्लासरूम घोटाला आप कर रहे हैं, टॉयलेट घोटाला आप कर रहे हैं, सारी चीजों का घोटाला आप कर रहे हैं। और ये मॉडल आपका, आप पंजाब के लिए आते हैं, 10 सेकंड और दे दीजिए। जब इनको सरकार में आना था वहां पर 2,88,000 करोड़ का ऑलरेडी कर्ज था, ये लोग वहां पर फ्रीबीज की घोषणा करते रहे, लगातार बोलते रहे, कहते रहे पैसे की कोई कमी नहीं है। वहां पर रेत माफिया होता है, उसको रोक कर उससे उतना कमा लेंगे, इससे उतना कमा लेंगे, उससे उतना कमा लेंगे। सरकार में आते ही केंद्र सरकार के सामने आकर कहने लगे 50,000 करोड़ दे दीजिए हर साल, हमें हम स्थिति ठीक कर लेंगे। ये कैसी स्थिति ठीक करनी है देश जानता है, और कैसा मॉडल है ये भी देश जानता है। मूर्ख बनाना बंद कीजिए, जो जो लेजिटिमेट है। आपने जनता को इस हाल में पहुंचा दिया कि आज दिल्ली में भी खड़े होकर ये लोग कहते हैं कि सुनिए, जिसको जरूरत नहीं है वो बिजली की सब्सिडी छोड़ दीजिए। अब तो ये खुद कहना शुरू कर दिया इन लोगों ने, तो कृपया करके ये मॉडल मत दिखाइए, कोई मॉडल नहीं है यहाँ पर। ठीक है धनेन्द्र जी, अब मुझे अवधेश जी का भी रुख करना। अवधेश जी, ये जो फ्री बीज हमने जब से सुनाई दिया, वो दिल्ली की सरकार जब बनी, चलिए बार बार अरविंद केजरीवाल को लोगों ने चुना भी, फिर पंजाब में भी चुना, लेकिन अब जो कांग्रेस पार्टी, और मैं तो देख रही थी कर्ज कितना ज्यादा, मतलब हर एक इंसान पर 1 लाख से ज्यादा का कर्ज हो गया हिमाचल प्रदेश में, कौन दोषी है इस सबके लिए? अरविंद केजरीवाल जी विधानसभा में 2 चुनाव बहुमत से जीते हैं, जबरदस्त बहुमत से, 2015-2020-2025 अभी आना शेष है। लोकसभा चुनाव में कभी विजय हुई नहीं है, पहली बार एमसीडी में विजय हुई, इसलिए मिक्स्ड है एकदम, विधानसभा में जरूर है लेकिन ये मिक्स्ड विजय है, और उसका परिणाम जनता भुगत भी रही है। अभी आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जाके सड़कों पर गड्ढे देख रहे हैं, और दिल्ली की हालत ये हो गई है कि जब से सरकार है 2015 से किसी भी एक सड़क की मरम्मत तक नहीं हुई है, ये फ्री बीज के चक्कर में, किसी एक सड़क का एक गड्ढा नहीं भरा गया है, कहीं डिवाइडर पर पेंट नहीं हुआ है, किसी भी फ्लाईओवर पर पेंट नहीं हुआ है, जितने दिल्ली में आपको फुट ओवर ब्रिज है वो सब खतरनाक हालत में, कोई भी चढ़ के जा सकता है। बिजली की हालत यह है कि बक्से जो है वो जो आते हैं वहां के बिजली के कर्मचारी कहते हैं किसी प्रकार से हम लोग जोर नार के काम चला रहे हैं, वाटर के जो पाइप हैं वो जगह जगह फटते हैं, उसको जोर के चलाना पड़ रहा है, तो दिल्ली कोलैप्स है एक प्रकार से, और यही सच्चाई है। अब देखते हैं चुनाव के पहले मेहनत हो रही है क्या हो रहा है। पंजाब की हालत यह है कि महिलाओं के बस पर चलने की योजना थी, 25 करोड़ रुपया प्रति महीना देना था, अब अभी पता चल रहा है कि 450 करोड़ रुपया हो गया हुआ है, और रोडवेज को नहीं मिला है, उसके लिए महिलाओं को फ्री चलाना कठिन हो गया है। अभी पंजाब सरकार ने अपने राजस्व के लिए बैट बढ़ाया है पेट्रोल और डीजल पर, अभी बढ़ा है, मतलब मेरे ख्याल से सितंबर महीने में ही बढ़ा है, सेकेंड वीक में, तो वो बैट पर बढ़ाना पड़ा है। उसी प्रकार से सुक्खू जी की, उन्होंने, उनको पता है नहीं पता ये अलग बात, लेकिन विभाग ने स्पष्ट कर दिया था, विभाग ने प्रेस रिलीज दे दिया था कि भाई जो लोग भी सीवर का यूज करते हैं उनको टॉयलेट की गणना के हिसाब से जितना पानी वो यूज करेंगे उसमें सीवर शुल्क देना पड़ेगा, और 100 रुपये पानी का लगेगा। वो अलग बात है कि जब आलोचना हुई तो हटा लिया, क्योंकि इसके अलावा वो मुफ्त पानी देना
मुफ्त सीवर देना, मुफ्त बिजली देना 300 यूनिट संभव नहीं हो पा रहा है। और कोरोना काल में हमने देखा कि दिल्ली सरकार स्वयं अपने कर्मचारियों को वेतन देने में अक्षम हो गई थी। अब ये बात ठीक है कि आपदा राहत का पैसा है, अभी 490 करोड़ रुपया जो है वो केंद्र ने जो है उनका राजस्व घाटा के तहत जो 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 अनुदान होता है, एक ही बात बोल दिया है अजय जी ने कि आपदा राहत का पैसा इन कामों के लिए नहीं होता है, आपदा राहत का पैसा आपदा के लिए होता है और किस्त के हिसाब से ही देने की परंपरा रही है। ठीक है, ये नहीं है कि अगर 1200 करोड़ रुपया बकाया है तो एक बार में देते, 189 करोड़ रुपया लीज हुआ है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए हिमाचल को, केंद्र सरकार को जो प्रदेश का राजस्व घाटा है उसकी पूर्ति में 490 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं। ये लगभग स्टेट का सिचुएशन हो गया हुआ है, स्टेट सब क्राइसिस में जा रहे हैं। लेकिन अब चुनाव ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक शुरू कर दिया, हालांकि फ्री नहीं है रीमा, दिल्ली में रहने वाले लोग जानते हैं कि आपको पानी का बिल सामान्यतः 2-3-4 महीने नहीं आएगा, एक बार 2200, 2400, 2500, 3000, 4000 बिजली का भी यही हाल है और पानी का भी, दोनों के लिए यही है, लोगों को देना पड़ रहा है, इसलिए वो भी ऐसा नहीं है कि नहीं देना पड़ रहा है। लेकिन अब सभी पार्टियां कंपटीशन में आ गई है, ये देश अब हरियाणा में तो 100-100 गज का प्लॉट फ्री में देने जा रहे हैं, मकान बनवा के देंगे, मतलब बाकी चीज तो छोड़ो, ये समझ में आने वाली बात नहीं है कि बाकी चीज तो छोटी छोटी चलती है, अब प्लॉट दे दोगे लोगों को फ्री में, कितने लोगों को देगो? कोई स्कीम होगी ना, वो स्कीम का खुलासा अजय जी करेंगे इसी शो पर करेंगे, उनसे मैं खुलासा करवाऊंगी। गरीबी रेखा के नहीं, उसमें कहां से देंगे प्लॉट, कहां से देंगे फ्री का, जो परसों राहुल गांधी ने फिर बोला कि महिला जैसे ही चुनेगी कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में एकदम खटाखट फिर उनके खाते में आ जाएंगे पैसे, तो ये तो कहां से आएगा? लेकिन गणेंद्र जी आ रही हूं आपके पास, अजय जी कहां से आएगा, कोई रोड मैप दीजिए ना। देखिए वरिष्ठ पत्रकार बहुत अच्छी बात करते हैं, ज्ञानी आदमी है, हिमाचल पे बात कर रहे थे, लेकिन जब आपदा आती है ना वो किस्तों में नहीं आती है, एक साथ वो बीजेपी कांग्रेस और देश प्रदेश विदेश नहीं देखती, एक साथ सबको बहाती हुई ले जाती है, एक साथ डिस्ट्रॉय करती है आपदा जब आती है। जो भाजपा शासित प्रदेश है जितने भी इस देश में, वो उनमें जो पैसा है वो एक साथ फंडिंग के रूप पहुंच जाता है, क्या उदाहरण दो किस स्टेट में पहुंचा गया है, लेकिन देश की सरकार के मुखिया जब 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे आश्रित कर देते हैं और 10 करोड़ और अभी ये जो है नहीं कराई है, जो 11 में हुई थी और फिर 21 में नहीं कराई है, अभी हम तो मांग कर रहे हैं कि कास्ट के अनुसार कराई जाए सेंसेक्स, 21 की सेंसेक्स नहीं है, तो इनका इरादा ये है कि 1 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे आश्रित कर दिया जाए। क्या सेंसेक्स? अरे फिर ये आ गए भाई, फिर नहीं सेंसेक्स क्या करा रहे हो, ये कौन सा बाजारीकरण कर रहे हैं आप, मतलब सेंसेक्स ये फिर वही आ गए। अरे नहीं नहीं बताइए तो क्या करा रहे हैं बीच में आप भाई, ऐसी रीमा जी डिबेट नहीं करता मैं ऐसे। अरे आज अरे मैं कुछ बोल नहीं रहा, कास्ट का क्या करा रहे हो, लेकिन आपकी बारी में वो बोले तो मैंने उनको चुप कराया, अब उनकी बारी में आप ही मत बोलिए ना, किसी की बारी में कोई नहीं बोलेगा। शिवम जी आगे आप भी नहीं, कोई किसी की बारी में करा रहे हैं ये बता दीजिए बस एक बार, कोई किसी की बारी में नहीं। रीमा जी आप एंकर हैं, अगर इन्होंने अपने आपने बीजेपी प्रवक्ता को पेड या अनपेड एंकर रख लिया हो तो मैं ये बता दें हाँ, तो मैं इनके सवालों का जवाब भी दूंगा। पूरा शो खत्म करना चाहते हैं लेकिन वो ट्रैक से हटेंगे नहीं हम, आज हम आपका रोड मैप पूछेंगे, आज हम हटेंगे नहीं ट्रैक से। देखिए हमारा रोड मैप ये कि हम 5 तारीख को देश का बखूबी वोटर हरियाणा का जानता है कि बेटियों पे अत्याचार, किसानों पे अत्याचार, 700 से ज्यादा किसानों की कील लगा दी, चाइना पे कील नहीं लगाई, चाइना पे बंकर नहीं लगाए, चाइना पे नहीं लगाए, लेकिन किसानों पे लगा दीजिए, और वो पहलवान बेटियां, और अभी तो हद हो गई, और किस शुल्कास्त की अनुसूचित जाति मैंने हिमाचल का रोड मैप पूछा है, नहीं आप तो रोड मैप कह रही थी तो हरियाणा पे तो कह रही थी, तो हिमाचल में सरकार बन गई तो रोड मैप खत्म हो गया, अब हरियाणा की बारी आ गई रोड मैप बनाने की, ऐसे थोड़ी ना होता है। हम आपदा की भरपाई कर रहे हैं, पुनर्स्थापित कर रहे हैं, और टैक्स का सुक्खू जी ने मना कर दिया है, हम इनकी तरह नहीं है कि पायरेटेड सीडी और पायरेटेड अखबार लगा के घुमा, जब नहीं है तो नहीं है, लग गया लगाया हटाया हटाया, लेकिन हम ऐसा नहीं है, पानी जल शक्ति मंत्रालय के पानी के ऊपर की चीजें, अब ये चुनाव जीतने के लिए कल तक कुछ बोलेंगे और फिर अपने शब्द वापस ले लेंगे, तो इनकी आदत अच्छी तरह जानते हैं, देशलाई गैंग है, देश में काम कर रहा है, इनका काम ये है जोर से बोलो, रोज बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, तो हमारा हिमाचल बिल्कुल सही चल रहा है, कोई डाउट नहीं है, हरियाणा में हम प्लस 60 सीटों से सरकार बनाने जा रहे हैं, लोगों ने
86,589 करोड़ रुपए का कर्ज है हिमाचल प्रदेश पर। ये सही चल रहा है हिमाचल प्रदेश? सही है, दो लाख है, बहुत बढ़िया। 2014 में 55,000 करोड़ का कर्ज था, अब 2,05,000 कर्ज का करोड़। इस देश की जो पांचवी अर्थव्यवस्था विश्वगुरु की हो गई है, ये सही है? आप अगर ये सही कह देंगी तो मैं हिमाचल को सही कह दूंगा, ये बता दीजिए। ये सही है, हिमाचल में सब सही चल रहा है, मैंने तो उसका जवाब दिया। आपको है ना, ये सही चल रहा है देश में भी, तो चंगा चल रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। आप विश्वगुरु बना रहे हैं उनको, उनका एजेंडा चला रहे हैं, उनका प्रोपोगंडा चला रहे हैं। 2,05,000 करोड़ मित्रों, 2,05,000 करोड़, बताइए कैसा ये न्याय है इस देश के साथ? भारत कहाँ था, कहाँ पहुंच गया है? पापा की कहने से युद्ध रुक जाता है, बताइए क्या साथ चल रहा है? सब हंस रहे हैं अजय जी आपके ऊपर, सब हंस रहे हैं। अजय जी कॉमेडी कर दी आपने। अजय जी को अब फिल्म से आने वाला है ऑफर, अब कुछ चीजें इतना मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि आप अवधेश जी जो है, ये डिबेट को डिरेल करने का शुभम त्यागी जी का और अवधेश का जी का बहुत बढ़िया तरीका है। मैं बेचारा चुप बैठा हूँ, मुझे क्यों कह रहे हैं? मैं कहाँ डिरेल कर रहा हूँ, मैं क्यों डिरेल करूँ आपको? मैं आपको तो बधाई दे रहा हूँ कि फिल्म से आ रहा है ऑफर आपके लिए, जितना अच्छा ये इनकी रणनीति है। नहीं, लेकिन अजय जी आपकी बात को कोई गंभीरता से ले रहा है तो वो घनेन्द्र जी हैं इस वक्त, वो काफी शांति से और काफी गंभीर मुद्रा में बैठे हैं। एक मिनट घनेन्द्र जी, उनकी बातों में आपको तो दम लग रहा होगा क्योंकि दोनों लोग कम से कम केंद्र में तो साथ ही है ना, दिल्ली में भी नहीं है साथ, पंजाब में भी नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है, लेकिन कुछ मुद्दों पर तो साथ है ही ना आप दोनों? देखिए रीमा जी, सबसे पहले तो जो आप लोग बार बार कहते हो फ्री बीज, ये नहीं होता, ये तो जन कल्याणकारी योजना है। अच्छा। फ्री बीज वो होता है जब आप 15,00,000 करोड़ रुपया चुनिंदा उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर देते हो, आप चुनिंदा उद्योगपतियों का कॉर्पोरेट टैक्स माफ कर देते हो, आप चुनिंदा उद्योगपतियों के सारे टैक्स माफ कर देते हो, उनके लिए रेड कॉर्पोरेट बिछा देते हो, सारे टैक्सेस में उनको रिबेट देते हो, सारे टैक्सेस में उनको छूट देते हो, वो फ्री बीज होता है। लोगों के लिए काम करना सरकारों का काम है, हर सरकार का ये काम है कि लोगों को उसकी मूलभूत सुविधाएं दे, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये मूलभूत काम है सरकारों के। अगर कोई सरकार ये काम कर रही है तो आप उसको फ्रीबीज की श्रेणी में नहीं लोगे। पंजाब पर आते हैं, मैं कह रहा हूँ पंजाब नहीं, देश की सब सरकारों को काम आपने करना चाहिए। पंजाब पर बात करोगे, मैं तो कह रहा हूँ रीमा जी, मैं फिर उसी पे आ रहा हूँ कि जो काम दिल्ली और पंजाब की सरकार कर रही है वो काम देश की सब सरकारों को करना चाहिए। अच्छी शिक्षा हर बच्चे का हक है, अच्छे सरकारी स्कूल होने चाहिए, अच्छे अस्पताल होने चाहिए, हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक होने चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगने चाहिए, पूरे देश में महिलाओं की बसों में फ्री यात्रा हो, ट्रेन में फ्री यात्रा हो, होनी चाहिए। गणेंद्र जी, इसलिए मुझे टोकना पड़ रहा है, दोनों पर आपने वही सेम बात कही, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जवाब तो शिवम त्यागी देंगे आपकी दलील का और आपके जो वादे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल इतने दिन तक जब जेल में थे, दिल्ली की सड़कों, जिसका जिक्र अवधेश जी ने किया, सड़कें बदहाल, सड़कों में गड्ढे, गड्ढों में सड़कें, पता नहीं लग रहा। अब अरविंद केजरीवाल वापस आए तो उन्होंने कहा कि अब सड़कें ठीक हो जाएंगी। मेरे ख्याल से दिल्ली की जनता सिर्फ यही चर्चा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल में थे, सरकार थोड़ी ना जेल में थी, सड़कें क्यों नहीं ठीक हो पाई? फिर मैं बता रहा हूँ, लोकतंत्र में जनता फैसले लेती है और किसी भी सरकार के कामों के अरविंद केजरीवाल को ठीक करनी थी, सिंपल जवाब दीजिए ना। मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में जनता फैसले लेती है और जनता सरकार के कामों को इवेलुएट करती है। अभी अवधेश जी ने कहा 2015 में हमारी सरकार बनी, 2020 में दिल्ली में फिर चुनाव हुआ, यही भारतीय जनता पार्टी वाले पूरी दिल्ली में जाके गली गली मोहल्ले मोहल्ले कहते गंदा पानी आ रहा है, बिजली नहीं आ रही, स्कूल नहीं बने, अस्पताल नहीं बने, मोहल्ला क्लिनिक नहीं बने, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, केजरीवाल ने ये कर दिया, वो कर दिया। दिल्ली के लोगों ने 70 में से 62 सीटें दी और मैं फिर कह रहा हूं 2025 में चुनाव होगा, यही दिल्ली के लोग 70 में से 70 सीटें अरविंद केजरीवाल को देंगे क्योंकि दिल्ली के लोगों ने काम देखा है। सड़कें क्यों नहीं? मैं बता रहा हूँ दिल्ली के अंदर पिछले 2 साल से एक ऐसा आदमी लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली की सरकार का गला घोट रहा है, और मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी का भी चिंतन, एलजी तो अभी भी वही है ना, मैं कह अरविंद केजरीवाल कह रहे हमें ठीक कर दूंगा, कैसे करेंगे वो? मैं कह रहा हूँ कि उस लेफ्टिनेंट गवर्नर का पहले तो हम कह रहे थे, ये लोग मानते नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी की रणथंभौर में चिंतन शिविर हुआ दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का, सारे विधायकों ने, सांसदों ने कहा
कि इस लेफ्टिनेंट गवर्नर की वजह से भारतीय जनता पार्टी पीछे जा रही है। जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर रोज अरविंद केजरीवाल पे अटैक कर रहे, रोज अरविंद केजरीवाल की सरकार के कामों को रोक रहे, उसका भारतीय जनता पार्टी का मैसेज दिल्ली के मतदाताओं में गलत जा रहा है। मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं। नहीं, ये आपको किसने बताया ये कि रणथंबोर की मीटिंग में क्या हुआ था? अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग ही आके बताते हैं बार, आपको कैसे पता चलेगा? शिवम त्यागी कौन है ये मोल जो ऐसी ऐसी खबरें देते हैं आके? वो भी केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल को आरएसएस के नेता भी बता देते हैं, फिर कई बीजेपी के नेता भी बता देते हैं, ये क्या हो रहा है आपकी पार्टी में? हाँ, और इस बार आकर इनको जनता ने भी बता दिया कि जल्दी से शीश महल से बाहर निकल जाओ, कुर्सी छोड़ दो, हारने तो वाले ही हो, समय से टाइमली फीडबैक लेकर निकल गए, लेकिन हारेंगे अब भी। खैर, एक पॉइंट पर जवाब नहीं दिया। अगर वही सड़क अरविंद केजरीवाल पिछले 9.5 साल में नहीं बनवा पाए तो आप आतिशी जी के साथ बाहर निकलकर सड़क पर कैसे कह रहे हैं कि हम ये सड़क अगले 3 महीने में बनवा देंगे? यानी कि नहीं बनवाई भाई, मान लो। मैं आपसे डेटा पर बात कर रहा हूं, आप मेरे से नेशनल हाईवे पे बात कीजिए, मैं बताऊंगा कितने किलोमीटर बनाए हमने। आप मेरे से स्टेट हाईवे पर बात कीजिए, मैं आपको बताऊंगा हमने कितने बनाए। आप इनसे बार बार पूछ रहे हैं कि भैया कौन सी सड़क बनाई है, एक तो बता दो। दुनिया भर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद वर्मा पे भी बला दो। अरे कितने किलोमीटर बनाया दिल्ली में, बताओ ना जरा सीधा सीधा। राजस्थान एक ही सवाल है, कितने किलोमीटर सड़क बनाई है? अजय जी रनिंग कमेंट्री मत कीजिए, पीरियड। बोलो भाई, स्टूडियो में बैठे हैं आप तो। देखिए रीमा जी, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी, अरे यार सुन लो, सुन लो, अरे तुम्हारी जब कलाई खुलते तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। और मैं थोड़ी कह रहा हूँ, आज भी सुप्रीम कोर्ट ने आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर को लताड़ मारी है कि एमसीडी में छठे मेंबर का चुनाव करवाने वाला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर का कोई काम नहीं है कि वो एमसीडी के कामों में दखलंदाजी करे, वो दिल्ली की सरकार के कामों में दखलंदाजी करे। अरे दिल्ली के लोगों ने हमें वोट दिया है, किसी विनय सक्सेना को थोड़ी वोट मिला था, किसी भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी वोट मिला था, वोट हमें मिला, सरकार हम चलाएंगे। कौन होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर? कि दिल्ली की सरकार भी वो चलाएगा, एमसीडी भी वो चलाएगा। होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, अभी आप कहेंगे कौन होता है प्रधानमंत्री? अभी आप तो मतलब एक तरीके से देश में, मैं कह रहा हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली के लोगों ने थोड़ी वोट दिए। कौन होते हैं? विनय सक्सेना को थोड़ी वोट मिला था, वोट अरविंद केजरीवाल को मिला था, सरकार हम चलाएंगे। कौन होता है विनय सक्सेना? अब आप कह देंगे राष्ट्रपति को तो जनता ने चुना नहीं, राष्ट्रपति कौन होते हैं? अरे दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर पिछले 2 साल से लगातार दिल्ली की सरकार का गला घोटने में लगा हुआ है, दिल्ली की सरकार के कामों को रो रहा है, ब्यूरोक्रेसी को कह रहा है कि कैबिनेट की बात नहीं सुननी, कैबिनेट के आदेश को नहीं मानना, किसी विधायक के कहने से काम नहीं करना, मुख्यमंत्री के कहने से काम नहीं करना। अरे ऐसे थोड़ी सरकार चलती है? पूरी तरह से आप दरकिनार कर देंगे? अरे विनय सक्सेना कोई तानाशाह थोड़ी, डिक्टेटर थोड़ी है। विनय सक्सेना से अपना काम होता नहीं, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो चुका है, रोज मर्डर हो रहे हैं, गैंगस्टर गोलियां चला रहे हैं, फिरौती मांग रहे हैं, और दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर रोज केजरीवाल की सरकार के पीछे पड़ा हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम यही है, संविधान में दो काम है, दिल्ली के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग देना और दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, दोनों काम नहीं कर पा रहा। अपना काम करता नहीं विनय सक्सेना, दूसरों के काम में टांग अड़ाता है। बताइए जरा कितनी यमुना साफ करी? अरे मैं कह रहा हूँ विनय सक्सेना, विनय सक्सेना को क्यों आप डिफेंड कर रहे हो? विनय सक्सेना कौन होता है? अरे विनय सक्सेना कौन होता है दिल्ली के काम रोकने वाला? बताइए कितनी सड़क बनाई? अब अरविंद केजरीवाल आ गए ना, अब काम शुरू होगा, पेट में दर्द शुरू हो गया तुम्हारे। अब अरविंद केजरीवाल सड़कें बनवा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली में कोई सड़कों में गड्ढा नहीं रहेगा, तुम्हारे पेट में दर्द हो गया। दिल्ली से सुनिए, सुनिए, सुनिए गणेंद्र जी, एक तो आप स्टूडियो में हैं, दिल्ली से दुश्मनी क्या है? नहीं रुकिए रुकिए, दिल्ली के लोग वोट नहीं देते, दिल्ली के काम थोड़ी होंगे। गणेंद्र जी सुनिए, अब एक तो ये जो भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये सभ्य भाषा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तू तड़ाक की भाषा किसी के लिए भी ठीक नहीं है, और आप एलजी के लिए ऐसी भाषा का नहीं। एक मिनट सुनिए, अब सुनिए, सुनिए, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट सुनिए, अब एक तो ऐसी तू-तड़ाक की भाषा क्यों बोल रहे हैं आप? दूसरा ये कि संवैधानिक पदों पर एक गरिमा होती है, उनके बारे में बोलने के लिए अगर आपका उनसे कोई, मैं बताता हूं गरिमा क्या है। मैं समझ सकती हूं कि आपकी सरकार है, एलजी जो भी है, लेकिन इस तरीके की भाषा नहीं। दूसरी, आप मेरे सवाल पे अभी तक नहीं आए, सुप्रीम कोर्ट ने, आप मेरे सवाल पे अभी तक नहीं आए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? मेरे सवाल पर नहीं आए कि दिल्ली की सड़कें क्यों नहीं ठीक हो पाई। रीमा जी मुझे 10 सेकंड दे दीजिए बस, मेरा एक सवाल रीमा जी आपसे, जल्दी से रुक करना है मुझे, लेकिन शिवम त्यागी जवाब दीजिए उसके बाद देखिए। रीमा जी आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आप उनसे पूछ दीजिएगा, क्योंकि मेरी बात का वो जवाब नहीं देंगे। पिछले 10 सालों में दिल्ली में कितने सीवर ट्रीटमेंट प्लान लगे, कितनी इनबिल्ट पाइपिंग डली, किलोमीटर्स में बता दे, कितनी सड़कें बनी,
बहुत सीधा सवाल है और बहुत सीधा जवाब दे। ठीक है, अब तथ्य पर आइएगा घनेन्द्र जी, तू तड़ाक नहीं, तथ्य पर आइए, अब तथ्य का जवाब दीजिए आंकड़ों से। रीमा जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं बार बार कहता हूँ कि इन्हें दिल्ली की डेवलपमेंट नजर नहीं आएगी। अमित शाह साहब ने काली पट्टी दी हुई है, ये काली पट्टी आंखों पे लगा के दिल्ली की डेवलपमेंट ढूंढने कितने किलोमीटर सड़क बनी वो पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक नजर नहीं आएंगे, इन्हें दिल्ली में अंडरपास नजर नहीं आएंगे, इन्हें दिल्ली के सरकारी अस्पताल ठीक होते नजर नहीं आएंगे, इन्हें स्विमिंग पूल वाले स्कूल नजर नहीं आएंगे, इन्हें लिफ्ट वाले स्कूल नजर नहीं आएंगे, इन्हें बढ़िया ग्राउंड वाले इनको प्ले ग्राउंड नजर नहीं आएंगे सरकारी स्कूलों में, कुछ नजर नहीं आएगा। बॉम्बे का क्या हाल था? मैं सफर कर रही हूँ गणेंद्र जी, मैं दिल्ली की निवासी हूँ। गुड़गांव का क्या हाल था? आज भी दिल्ली में हूँ, इतने गड्ढे नहीं हुए जितने गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। मैं दिल्ली का निवासी हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि शिवम त्यागी सवाल ये कर रहे हैं कितनी रोड बनी है, मैं तो कह रहा हूँ और मैं पूरे दावे से कह रहा हूँ कि मेरी बात को कोई गलत साबित कर दे कि दिल्ली के किसी सड़क के किसी डिवाइडर की किसी भी दोनों साइड के जो वो लगे होते हैं वो जो लोहे के और गटर जगह जगह या किसी भी फ्लाई ओवर की किसी भी फुट ओवर ब्रिज पर एक पेंट हुआ है तो मुझे बता दिया जाए। दिल्ली की सड़कों की हालत यह है कि हमारे बिहार, जब हम लोग छात्र जीवन में थे उसके बाद बिहार में पत्रकारिता की है, दिल्ली आ गए, अब तो 91 से दिल्ली के नागरिक हैं, तो वहां की सड़कों के बारे में कहा जाता कि गड्ढे और सड़क में अंतर नहीं दिखा। मैं तो घनेन्द्र जी को भी जानता हूं, हमारे पुराने परिचित है, अब मित्र कहने से इनको दिक्कत होती है, इसलिए एक दिन बोल दिया था मैं चुप हो गया। ये हमारे बहुत पुराने बड़े, मेरे ख्याल से 15 साल के आसपास से हमारा इनका परिचय होगा और ये दिल्ली में खुद दूर से आते हैं, इनको मालूम है कि सड़कों के कारण क्या दशा है, अखबार के टायर गाड़ियों के टायर फट रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ गया है, लोगों के बीमारियों की दिक्कत होने लगी हॉस्पिटल जाने में सड़कों की। तो अगर ये अभी भी नहीं स्वीकार है कि फ्री ब्रिज के अजय जी आप दिल्ली के निवासी हैं या नहीं? नहीं नहीं, एक दो बात और कर अजय जी, एक सेकंड है, वो अजय जी बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं ना। हाँ अजय जी बताइए ना, आपको दिल्ली में सब ठीक लग रहा है? मैंने तो अभी इंटरप्ट कुछ नहीं चला, देश में सब चंगा चल रहा है, भारत में लोग ताला खोल के सो रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय 5 लाख हो गई है, कोई बेरोजगार है नहीं, पेटियां छेड़ी नहीं जा रही हैं और विश्व गुरु हम बन गए। आप ये कहलवाना चाहिए दिल्ली रहते हैं, कहाँ रहते हैं भाई बताइए ना? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तान। अब ठीक है, अब ठीक है, अब हिमाचल में भी सब ठीक है और पंजाब में भी सब ठीक है, दिल्ली में भी। अब तो आपने बात ही खत्म कर दी, फिर अब थोड़ा सा 30 सेकंड बोलने, ब्रेक लेना है, बोलिए। देश के प्रधानमंत्री जी अभी रशिया गए थे, उन्होंने कहा था मित्रों 2014 से पहले भारत हताशा और निराशा में जी रहा था। इनकी होने वाली डिप्टी पीएम कंगना रनौत कहती है 2014 में भारत को आजादी मिली है। अब मैं पूछना चाहता हूं शिवम त्यागी जी से कि भारतीय जनता पार्टी ने टैनी के बेटे को, टैनी को नहीं हटाया था, ब्रजभूषण को नहीं हटाया था, जो प्रेमचंद बैरवा है डिप्टी सीएम हर राजस्थान देश का, में वो दलित होने के नाते एक राज्य में जनता को बरगलाया गया, उनके ऊपर कर्ज चढ़ाया गया, जनता की जेब पर लगातार हमला हो रहा है, इस वक्त देश की जनता इन सब सवालों के जवाब जानना चाहती है। जो सवाल आप उठा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि देश की जनता को अब आज की डेट में इस पर चर्चा करने के लिए समय बचा हुआ है। मुझे नहीं लगता है जी, मुझे लगता है आपको थोड़ा सा अपडेटेड रहना चाहिए, थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। हरियाणा चुनाव की बात हो रही है, हिमाचल की बात हो रही है और आप कहां पर पहुंच गए हैं 5 साल पुराने, नहीं समझ आता अजय जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। आवाज आ रही है? आ रही है, ब्रेक में भी आ रही है। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, काट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल, इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए।
पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटवा ढूंढ रहे? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। चलिए वक्त कम है, आप अजय जी, आपने जो बात कही तथ्यों पर बात नहीं हो पा रही है। मैं मतलब बहुत ही निंदा हुई मुझे करनी पड़ रही है आपकी इस बात पर बार बार कि मैं जिस मुद्दे को लेकर आई थी ना, मुझे लगा था जनता के बीच में जा रहे हैं। आप महिला हैं, आप महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करेंगे इस हिंदुस्तान में? मुझे तो डाउट होता है रीमा जी, इस देश में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, भाजपा के नेता इंसिडेंटली उसमें प्रयुक्त पाए जाते हैं, इनके MP, इनके MLA, इनके विधायक, इनके नेता, इनके IT सेल, इनके मंत्री सब इसमें इन्वॉल्व है। डिप्टी सीएम को रशियन दिल्ली में स्कैंडल हुआ है, आप उसकी निंदा नहीं करेंगे? वो किसी टीवी चैनल पर नहीं आ रहा है, वो किसी टीवी चैनल पर नहीं है, ना आपके यहाँ है। बड़ा शर्मनाक और निंदनीय काम हुआ है देश की राजधानी दिल्ली में, जो इन्होंने डिप्टी PM को हटाया, आपने डिप्टी CM को हटाया है, उस पर चर्चा नहीं करेंगी, वो नहीं बताएंगी। और डिबेट को डिरेल करके मुद्दों से भटका के हरियाणा कैसे जीता, ये बेटियों के खिलाफ पहलवान बेटियों की नहीं, चलने के चक्कर में लग रहे वोटिंग, बेटियों के खिलाफ ये जट फिलवाते पहलवान बेटियों पे। अजय वर्मा जी को जो है इतना खुला मंच दे रही हो, ये फ्री बीच का डिबेट है, ये बैरवा पर चले जाएंगे, राजस्थान चले जाएंगे, और दूसरे इस पे नहीं बोलेंगे आपकी कलम और लेखनी। बड़ा शर्मनाक और डिबेट नहीं है भाई, सिपाही अगर सो गए तो डिबेट में सियासत के ये ताज बटन भेज देंगे, सियासत के ये ताज बटन भेज देंगे। अजय वर्मा जी को जरा म्यूट कीजिए, और एक मिनट मेरी, अजय वर्मा जी अगर कलम और लेखनी ये सब चीजें नहीं दिखाती तो आपको क्या सपने में पता लग रहा है देश में क्या हो रहा है? टीवी देखकर ही पता लग रहा है ना कहां पर क्या चल रहा है? या आपके पास कुछ ऐसी, कोई भगवान ने ऐसी शक्ति दी है कि आपको सुबह उठते हैं तो पता लग जाता है देश में क्या हुआ? ये मीडिया ही है जो दिखा रही है सारी चीजें, और आप लोगों की आदत बन गई है मीडिया को कटघरे में खड़ा करने की, मुझ पे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना आप देश जी पर पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं और जनता की आवाज ही उठा रहे हैं यहां पर बैठकर। घनेन्द्र भारद्वाज। देखिए रीमा जी, मैं पहले ही कह रहा था कि आज की राजनीति में अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के बगैर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं पूछ रही हूँ क्योंकि वक्त कम है अब खनेन्द्र जी, हरियाणा में वही वादे, वही खोखले वादे बाहर आ रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ, जनता सवाल किससे पूछे, आपसे पूछे या कांग्रेस से पूछे? रीमा जी फिर वही कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल का मैनिफेस्टो तो कोई भी कॉपी कर सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का विजन, अरविंद केजरीवाल जैसी होनेस्टी, आपने जवाब नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल जैसी होनेस्टी और अरविंद केजरीवाल जैसा विजन लाना पड़ेगा, तभी क्यों नहीं बन पाई अभी तक? अब अरविंद केजरीवाल क्या जादू की छड़ी चलाएंगे कि बन जाएंगी जो इतने समय से नहीं बने? मैं कह रहा हूँ, जवाब दीजिए। दिल्ली के अंदर सड़कें, अस्पताल, बिजली, पानी सब ठीक है, अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं सुन लीजिए, क्या कर रहे हैं, मैं फिर वो आपको ठीक कर रहा हूँ कि जिन सड़कों में गड्ढे हो गए थे और जो इंपॉर्टेंट सड़कें जहां पे गड्ढे, उनको आइडेंटिफाइड करके उनको ठीक कराया, उनकी रिपेयरिंग की जाएगी। एक साल लगेगा, मैं रिपेयरिंग करके आ जाएंगे चुनाव के बाद, अभी हम रिपेयरिंग करवा के आए हैं, अभी मैं आश्रम से रिपेयरिंग करवा के आ रहा हूँ, और जिस तरीके से जो आपने बताया क्यों नहीं हुआ, क्या रिपेयरिंग करवा के आ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं हुआ, क्या मैं कह तो रहा हूँ क्यों नहीं हो रहा था, उसका कारण है ना, क्या रिपेयर करवा के आए हैं, उसका एक पंचर लगा कर आए, PWD वाले कर रहे हैं ना, हम तो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मतलब आप सड़कों की मॉनिटरिंग करवा के आए हैं, वो सड़क बन रही है। मैं कह रहा हूँ निश्चित तौर पर हमने आइडेंटिफाइड करी, हमारे विधायक रोज सुबह शाम यही काम कर रहे हैं, जिन सड़कों में भी थोड़ा सा भी गड्ढा है, जहाँ पे भी पैचिंग है, रिपेयरिंग है, नया काम करना, सारे काम कर रहे हैं। धनेन्द्र जी, दिल्ली के लोगों से कमिटमेंट है। केजरीवाल के जेल से बाहर आने का इंतजार क्यों किया गया, मेरा सवाल ये था। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि केजरीवाल जी को जेल में डाल देंगे, दिल्ली के काम रोक दो और दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी को पूरा ठप कर दो। इससे पहले जो चीफ सेक्रेटरी थे नरेश कुमार, उन्होंने सारे अफसरों को कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के काम नहीं करने, PWD सेक्रेटरी को कह दिया था कोई काम मत करो,
पूरी की पूरी सरकार तो सबने कह दिया है कि अब केजरीवाल बाहर आ गए, अब काम करना शुरू कर दो। अरविंद केजरीवाल जी के जेल से बाहर आने के बाद अब ब्यूरोक्रेसी को पता है कि तीसरी बार भी अरविंद केजरीवाल की सरकार आएगी। जितना मर्जी एल जी रोक ले, जितना मर्जी मोदी जी रोक ले, जितना मर्जी अमित शाह रोक ले, सरकार केजरीवाल की बनेगी अगर केजरीवाल के साथ कोऑपरेट करके नहीं चलेंगे। स्क्रीन देख लीजिए जरा घनेन्द्र जी, ये है दिल्ली की हालत। हमें कह तो रहा हूँ मैं आपसे, ये है, ये सही चल रहा है सब कुछ। मैं कह रहा हूँ कि हम इन्हीं सब चीजों को, पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वालों को भी देखिए क्या मशक्कत करनी पड़ी है। मैं कह तो रहा हूँ इन्हीं सब चीजों को तो ठीक करें। दिल्ली के गवर्नर ने जो अफसरों के साथ मिलकर एक आर्टिफिशियल पिक्चर बनाई थी, एक जो आर्टिफिशियल पिक्चर नहीं है गणेंद्र जी, ये सच्चाई है दिल्ली की, ये दिल्ली की सच्चाई है, कैमरे ने कैद की है सच्चाई। शिवम त्यागी जवाब देंगे। मैंने आपको इसमें नहीं कहा, मैं कह तो रहा हूँ इन्हीं सब चीजों को ठीक कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कमिटमेंट एक हफ्ते के अंदर उन्होंने चैलेंज कर दिया है कि दिल्ली की सारी सड़कें ठीक हो जाएंगी, सारे विधायक दिन रात इसी काम पर लगे हैं, सब कुछ। तो फिर क्या क्रिएटिव राजनीति होगी या नहीं होगी? तो 10 साल क्या कर रहे थे, इस एक हफ्ते का इंतजार क्यों हो रहा था? मैं तो मानता हूं, मैं तो बिल्कुल आपके चैनल पर कहकर जा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल निकम्मे चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे बेहतर आतिशी जी हैं। आतिशी जी शायद ये काम करा पाए, अरविंद केजरीवाल के बस की नहीं था। जब तक जेल से बाहर थे तब भी नहीं करा पाए, जेल में रहकर भी नहीं करा पाए, अब कुर्सी छोड़ दी तो मुझे लग रहा है थोड़ा ठीक काम हो भी पा रहा है। उनके बस की नहीं है, ना वो अधिकारियों को चलाते, दिन भर रोते ही रहते। अभी खनेन्द्र जी से आपने 4 सवाल पूछे, कभी सेक्रेटरी गलत, कभी एलजी गलत, कभी ये गलत, कभी वो गलत। अगर सब वो गलत थे तो फिर अब सड़कें कैसे बन रही हैं? इसका मतलब ये है कि आप बनाना नहीं चाहते थे, इसका मतलब ये है कि आप चला नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल से जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो किसी ने पूछा था कि दिल्ली जो है ये केंद्र शासित राज्य है और यहां पर काफी चीजों में दिक्कत होती है, तो उनका खुद का जवाब ये था कि मुख्यमंत्री इतना कमजोर नहीं होता जो अपने भी काम ना कर पाए। ये तो कमजोरी की पराकाष्ठा ये है कि इनके बस के तो काम ही करना नहीं है बिल्कुल भी। आपसे बेहतर तो मैं तो कहता हूं आतिशी जी को मौका मिलना चाहिए। भाई हारो या जीतो उनके उस पर चुनाव लड़ो और उन्हीं को आगे बढ़ाओ। अरविंद केजरीवाल के बस की है ही नहीं, 10 साल में वो सड़कें नहीं बना पाए, देखिए क्या हाल है आपके सामने सड़कें। मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक सुपर केजरीवाल सड़क और परिवहन मंत्री थोड़ी ना थे जो वो बनाते सड़कें इतने, मुख्यमंत्री तो थे, हर किसी का हेड तो वही होता है, अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो उन्हीं की होती है। मैं मानता हूं कि वोट वो अपने नाम पर मांगे, सरकार वो अपने नाम पर बनाए, सब कुछ वो अपने नाम पर करें और जिम्मेदारी केजरीवाल की चले, और जब सड़कों की बात आए तो तुरंत एकदम परिवहन मंत्री पर छोड़ दे, ऐसे कैसे चलेगा? मैं तो मानता हूं आतिशी जी काम करा पा रही है बेहतर है, अरविंद केजरीवाल के बस की ही नहीं है मुख्यमंत्री रहकर काम करना। मुझे ब्रेक लेना है, घनेन्द्र जी आतिशी ज्यादा अच्छा काम कर रही है क्या? देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने विपरीत परिस्थितियों में काम करे, 2015 से जब से हमारी सरकार है, नेता की तारीफ कर रहे हैं वो। मैं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक और एक एक मंत्री सक्षम है हर तरीके से काम करवाने में। हमने विपरीत परिस्थितियों में काम करा है, हमने एलजी के ऑफिस में धरना देके दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे, हमारे विधायकों ने एलजी के ऑफिस में धरना देके महिलाओं की बस यात्रा की फाइल साइन करवाई थी। हमें तो काम करवाना था, इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनके चीफ सेक्रेटरी, इनके अधिकारी जितना करवाएंगे, हम तो कह रहे हैं हमें काम करवाना आता है, हम काम करवा रहे हैं ना। अरे पिछले 10 साल से लड़ झगड़ के काम करवा ही रहे ना, कोई टुकड़े का काम हमने रुकने दिया, बिजली रुकने दी, पानी रुकने दिया, स्कूल अस्पताल के काम रुकने दिए, सब करवाते रहे, जितनी मर्जी अड़चन डाले, जितना मर्जी विधान डाले, जितनी मर्जी टांग अड़ाए, काम तो हम करवाएंगे दिल्ली के लोगों के। ब्रेक लेते हैं। अब आया असली स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चलिए एक ही मिनट बचा है मेरे पास, अवधेश जी का रुख करना चाहूंगी। अवधेश जी, सारी बात खत्म, सब कुछ ठीक। अब अजय जी का तो ने तो मुझे बायस बोल दिया, लेकिन अवधेश जी नहीं ना, अजय जी बायस बोल रहे हैं, अजय जी की पार्टी भी इस समय अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध दिल्ली में चल रही है। देखिए फ्री बीज ने क्या किया है, स्टेट के फाइनेंशियल सिस्टम को कोलैप्स कर दिया है और उसके कारण किसी भी राज्य के लिए जो सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 5 चीजें होती है, वो 5 चीजों पर इसके असर पड़े हैं। अब केजरीवाल जी को तो नजीब जंग से भी समस्या है, वो तो कांग्रेस के अपॉइंट थे, उनके साथ समस्या होती थी, झगड़े होते थे,
मार पिटाई तक की उस समय स्थिति पैदा हो गई थी। बैजल से भी समस्या थी, इनसे भी समस्या है। जब 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 इसे शीला दीक्षित जी थी तो बीजेपी के केंद्र में सरकार थी, उनके गवर्नर थे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, काम करते रहे। मदन लाल खुराना थे, साहिब सिंह वर्मा थे, कांग्रेस की सरकार थी, काम करते रहे। तो इसीलिए आपने ऐसी घोषणाएं की है, और घोषणाएं इसलिए की कि आपको आपको जनता का वोट देना था, परिश्रम नहीं कर सकते हैं। देखिए फ्री बीच का मतलब है कि हम परिश्रम करके काम करके नहीं दिखा सकते और वोट नहीं ले सकते हैं, और जनता को भी फ्री बीच का रोग लगा के उसको भी कामचोर भ्रष्ट बनाते हैं। ठीक है, ये दो काम होता है। वक्त की बाधा है अजय जी, पूरे शो में एक बार भी आपने ना हिमाचल प्रदेश का जिक्र किया, ना कर्नाटका का, ना तेलंगाना का, किया नहीं आपने। फिर आपने मुझे तो खैर क्या बोला, मैं अब उस पर नहीं जाती, लेकिन अभी आप हिमाचल पर लौट कर आएंगे फाइनल कमेंट में। देखिए रीमा जी, ये कोई लिटमस टेस्ट नहीं है या कोई वाइस चांसलर क्लास नहीं है। देखिए आप अपना एजेंडा रख रही हैं, हम अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं, अपना 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 एजेंडा रख रहे हैं, अपना अपना तरीका रख रहे हैं। आपका तो लिख के मिल जाता है भाजपा आईटी सेल से और भाजपा के लोगों से कि ये पढ़ना है, आपकी मजबूरी है, कोई बात नहीं है। आप लेकिन अपने मन से बोलते आपने 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 क्यों नहीं पाता है कि क्या पढ़ना है, आपकी कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, इतनी पिछड़ चुकी है क्या? आपने बिहार देखिए, बारिश के बाद में आपने बिहार दिखा, मैं यूपी गाजियाबाद नोएडा दिखा दूं, कितने वीडियो भेजूं, बारिश के बाद जो हाल हो जाता है। डबल इंजन की सरकार में बारिश के बाद सड़कों पे आपने ना बिहार दिखाया, ना उत्तराखंड दिखाया, ना देहरादून दिखाया, ना उत्तर प्रदेश दिखाया, ना नोएडा दिखाया, ना गाजियाबाद दिखाया। इतने बुरे सड़कों की हाल है, लेकिन आपको दिल्ली दिखाना था, क्योंकि आपको लिख के दिया गया था, और आप दिल्ली दिखाइए केवल, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत की बात यह है, जो आम आदमी पार्टी जिनकी सरकार है वो मान रहे हैं दिल्ली की सड़कों में प्रॉब्लम है और ठीक करवानी पड़ेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को दिल्ली की सड़कें ठीक दिख रही हैं। ये एक अजीब बारिश के बाद के हालात बता रहा हूं मैं, एक चीज बोल दिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान पांच की पंचायत में हमारे साथ जुड़े, और इसीलिए बात हिमाचल प्रदेश की अगर हो रही है तो हरियाणा की भी होगी, कर्नाटक तेलंगाना की भी होगी, और फिर दिल्ली पर भी आएगी। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को भी जब ये टिप्पणी करनी पड़ी फ्री की रेवड़ियों को लेकर, तब भी शायद पार्टियों को समझ नहीं आया, लेकिन अब जब कर्ज में डूब रहे हैं, कंगाली के कगार पर पहुंच गए हैं, एक एक करके अपने फैसलों को वापस लेना पड़ रहा है, और जनता बदहाल है, पूछ रही है सवाल, अब ये तो जनता को ही सोचना भी पड़ेगा कि क्या फ्री की रेवड़ियों के चक्कर में वो पार्टियों को चुने, या फिर जो विकास या वाकई में अपनी बातों को इंप्लीमेंट कर रही हैं उन पार्टियों के साथ जाए। चलिए पांच की पंचायत में इतना ही, सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।